अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1, सेट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1, पेज नंबर 1। स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट। ओके स्टूडेंट्स, सेट, पहले हम सेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक्सप्लेन करते चलूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को सेट कहते हैं। अब जो आपकी कलेक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो आपके पास है, वो ऑब्जेक्ट जिसको आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए? एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। पहले मैं डिस्टिंक्ट को डिफाइन करती चलूँ कि डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स मुख्तलिफ। अब सेट में जो आपकी कलेक्शन होगी, जो आपके एलिमेंट होंगे, जो नंबर्स होंगे जिसे आप कलेक्ट करेंगे, वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे मुख्तलिफ होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। हम कुछ एग्जांपल के ज़रिए सीखेंगे। मैंने यहाँ पर 3 सेट्स राइट किए हैं। पहले सेट में मैंने राइट किया है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है, यानी कि हर डिजिट जो है वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ है। पहला डिजिट क्या है? 1, 2, 3, 4। अब 1 जो है वो 2 से मुख्तलिफ है, 2 3 से, 3 4 से, यानी कि ये सब एक दूसरे, हर डिजिट जो है वो डिस्टिंक्ट है। इसी तरह की तरह से दूसरी एग्जांपल मैंने राइट की है फर्स्ट 4 इंग्लिश लेटर्स। अब जो यहाँ पर जो है हर लेटर जो है वो डिस्टिंक्ट है, ए बी सी एंड डी। एग्जांपल नंबर 3 जो है हमारे पास फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब यहाँ पर डिजिट क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। हर डिजिट जो है वो एक दूसरे से क्या है? डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ है। अब हम वेल डिफाइंड पढ़ते हैं कि वेल डिफाइंड सेट की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम उसे 2 तरीकों से जस्टिफाई कर सकेंगे। पहले ये कि आपने जो एलिमेंट लिखे हैं वो उस एलिमेंट की कलेक्शन के मुताबिक हो। जैसे कि आपने यहाँ पर फर्स्ट 4 ओड नंबर राइट किए हैं, एलिमेंट सेट की कलेक्शन के मुताबिक है। अब एक जैसे कि मैंने यहाँ पर दोबारा सेट राइट किया है, क्या ये फर्स्ट 4 जो है ओड नंबर है? तो स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 है। ओड नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो सके, लेकिन यहाँ पर तो 2 है। तो क्या ये आपका सेट जो है वो ओड नंबर का सेट है? तो स्टूडेंट्स नहीं, ये ओड नंबर का सेट नहीं है। ये जो सेट है वो आपकी कलेक्शन के मुताबिक नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरी ये कि जो आपकी कलेक्शन है वो तमाम लोगों के लिए काबिले कबूल हो। जो आपने कलेक्शन लिखी है वो तमाम लोग माने कि ये वेल डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल्स, ये ए सेट मैंने राइट किया है जो कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का सेट है। ये तमाम लोग इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि ये जो सेट है वो इवन नंबर का सेट है। जो आपकी कलेक्शन होगी वो क्या होगी? फिर वेल डिफाइंड होगी। एक सेट मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ कि द सेट ऑफ द टेस्टी फूड। स्टूडेंट्स, अब जो मेरे टेस्टी फूड है वो है बिरयानी, कस्टर्ड। ये जो मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर राइट किए हैं, बिरयानी और कस्टर्ड जो है वो डिस्टिंक्ट तो है, बिरयानी और कस्टर्ड दोनों मुख्तलिफ है एक दूसरे से, लेकिन क्या ये वेल डिफाइंड है? तो स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि ये तमाम लोगों के लिए टेस्टी फूड नहीं है। ये मेरे तो टेस्टी फूड है, लेकिन तमाम लोगों के टेस्टी फूड नहीं है। तो क्या ये सेट कहलाएगा? तो ये सेट नहीं कहलाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z। स्टूडेंट्स, सेट को जो नाम हम देते हैं वो हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से देते हैं। अगर आप स्मॉल लेटर से नाम राइट करेंगे तो वो सेट का नाम रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल राइट किए हैं। एक सेट A राइट किया है
द सेट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने नाम राइट किया है वो किस में राइट किया है? कैपिटल लेटर में राइट किया है, जो कि कैपिटल लेटर कौन सा राइट किया है? ए राइट किया है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स इन द स्कूल। अब एक सेट जो है वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का सेट है, जो कि मैंने यहाँ पर भी जो नेम राइट किया है वो कौन से लेटर से राइट किया है? सी लेटर से राइट किया है, जो कि कैपिटल है। स्टूडेंट्स, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने दो सेट राइट किए हैं, एक सेट ए राइट किया है और दूसरा सेट वाई राइट किया है। अब सेट ए में जो है हमारे पास वो क्या एलिमेंट्स है? ए बी सी डी ई ए। अब यहाँ पर तो जो एलिमेंट है वो क्या हो गए? सेम हो गए, एक जैसे हो गए। तो क्या ये डिस्टिंक्ट होंगे? तो नहीं। इसी तरह से हम एग्जांपल नंबर टू जो हमारे पास है, वाई सेट है। अब वाई सेट के एलिमेंट क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 8। अब जो यहाँ पर सेम एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? 8 जो है वो रिपीटेड एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये क्या ही सेट कहलाएगा? तो ये भी सेट आपका नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ना ही वेल डिफाइंड है। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन राइट किया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन कैन बी कॉल्ड अ सेट। अब वो कौन सी कलेक्शन है जो सेट कहलाएगी? अब पॉइंट नंबर 1 है, एक्स इज इक्वल टू द सेट ऑफ द फर्स्ट 7 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक्स सेट राइट किया है, जिसमें 7 जो है फर्स्ट 7 इंग्लिश लेटर्स हैं, जो कि क्या ये डिस्टिंक्ट है? तो जी हाँ स्टूडेंट, हर लेटर जो है वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ है। क्या ये वेल डिफाइंड है? तो जी हाँ स्टूडेंट, हर वो तमाम इंसान इस बात को इत्तेफाक करेगा कि ये तमाम जो लेटर्स हैं वो इंग्लिश लेटर्स हैं। तो क्या ये सेट कहलाएगा? जी हाँ स्टूडेंट, ये सेट कहलाएगा। हम यहाँ पर सेट राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 राइट किया है, जो कि सेट बी है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्या ये डिस्टिंक्ट है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड भी है। डिस्टिंक्ट है क्योंकि हर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और वेल डिफाइंड है तो हर इंसान इस बात से इत्तेफाक करेगा कि जो नंबर्स मैंने राइट किए हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या राइट करेंगे? सेट राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक सेट और राइट किया है, जो भी नंबर्स का है। क्या ये, अब नंबर्स एलिमेंट्स हम देखेंगे, नंबर्स या आप एलिमेंट्स आप देख लें कि आपके पास जो एलिमेंट्स है क्या वो डिस्टिंक्ट है? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट 2 है वो रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था? डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ। तो हर एलिमेंट जो है वो आपका क्या होना चाहिए? मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। तो ये सेट नहीं कहलाएगा, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? नॉट सेट राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेट का मतलब और सेट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आपका असाइनमेंट है, जो कि आप किताब में सॉल्व करेंगे और किताब जो है वो स्कूल में जमा करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।